चार बार की दलित मुख्यमंत्री ने बनाया था शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी। चार बार मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था शिक्षा के उद्देश्य के लिए। धर्म के नाम पर छात्रों को दिया जा रहा है हथियार। धर्म के नाम पे यहाँ के छात्रों के हाथ में हथियार देने का काम किया है। कैंपस में पढ़ाई बंद करके जलाया गया 5100 दीपक। और आज इस पूरे कैंपस में कोई पढ़ाई नहीं होगी, 5100 दीपों का दीपोत्सव होगा। महापुरुषों की मूर्तियां ऐसे क्रियाकलाप देखकर होंगी शर्मिंदा। जिन महापुरुषों की ये मूर्तियां लगी हुई हैं, वो महापुरुष भी इनको देख करके शर्मिंदा होंगे कि हम कैसे लोगों के हाथ में इस देश का बागडोर दे दिए। धर्म के नाम पर रिलीजियस दंगा कराना चाहते हैं। और धर्म के आधार पर रिलीजियस दंगा कराना चाहती है। ये नज़ारा अयोध्या के राम मंदिर का नहीं, ये नज़ारा एशिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ सामान्य और दिव्यांग छात्र एक साथ पढ़ते हैं उस विश्वविद्यालय का है, जिसको उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था शिक्षा के उद्देश्य के लिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे यहाँ के छात्रों के हाथ में हथियार देने का काम किया है। आप देख लीजिए कैसे पूरे कैंपस को जय श्री राम के झंडों से पाट दिया गया है। और आज इस पूरे कैंपस में कोई पढ़ाई नहीं होगी, 5100 दीपों का दीपोत्सव होगा। धन्य है भारतीय जनता पार्टी जो पूरी मशीनरी को अपने कब्जे में लेकर के इस तरह का अन्याय और अत्याचार कर रही है। जिन महापुरुषों की ये मूर्तियां लगी हुई हैं, वो महापुरुष भी इनको देख करके शर्मिंदा होंगे कि हम कैसे लोगों के हाथ में इस देश का बागडोर दे दिए। जब हमारे स्टेट का कैरेक्टर बिल्कुल सेकुलर है, किसी धर्म को नहीं मानता, ऐसी स्थिति में ये राज्य विश्वविद्यालय आज भगवामय हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके और धर्म के आधार पर रिलीजियस दंगा कराना चाहती है। आप देख सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने कराया था, जिसका उद्देश्य ये था। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।